हरबंसपुरा में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन पर एहतजाज का मामला, जिला इंतजामिया ने मुतासरीन को एहतजाज पर उकसाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए। पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, दीगर को पकड़ने के लिए छापे। डिप्टी कमिश्नर अनवारुल हक कहते हैं आबादियों को गिराने नहीं, कब्जा माफिया से जमीन वागुजार कराने गए। तजावजात और कब्जा माफिया के खिलाफ हर सूरत ऑपरेशन होगा। सब्जाजार शेराकोट में DGLDA की निगरानी में ग्रैंड ऑपरेशन, भारी मशीनरी से ट्रक अड्डा के लिए मुख्तस राजी पर तामीरात मस्मार। 50 कनाल 84 मरले राजी में से 30 कनाल वागुजार, दो प्लाजों को गिरा दिया गया। राना मशहूद के बयान के आफ्टर शॉक्स, राना मशहूद की पार्टी रुकनियत मुअत्तल। बाज़पुरस के लिए एक कमेटी तश्कील, कमेटी में राजा जफरुल हक, एयाज सादिक और तनवीर हुसैन शामिल। दो हफ्तों बाद रिपोर्ट पेश करेगी। मुअत्तली का हुक्म शहबाज शरीफ ने दिया, तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब। फौज जो है ये पाकिस्तान की है और ये इस पर हम सब का हक है। अगर इस फौज से शहबाज शरीफ साहब ने मोहब्बत भरे अंदाज में अच्छे तलकात बना लिए हैं और आपने कह दिया है तो आप कहें मैंने कहा। पहली बात है कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है, ना मैंने ऐसी कोई बात की है, ना मैंने मेरा, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, जिसने मेरा इंटरव्यू देखा है वो उस पर कमेंट करे। कभी डील की और ना करेंगे, राना मशहूद का अपने बयान पर यू टर्न। कहा मेरे बयान को घुमा फिरा कर पेश किया गया, सिर्फ ये कहा था कि जिन्हें घोड़े समझा गया वो खच्चर निकले। फौज हमारी है और उस पर हम सब का हक है, हुक्मरानों का असली चेहरा अवाम के सामने आ गया। राना मशहूद के बयान पर लीगी रहनुमाओं की वजाहतों पर वजाहतें, हमजा शहबाज का राना मशहूद के बयान से इजहार लातालुकी। कहा डील की बातें गलत हैं, फ्रेंडली अपोजिशन नहीं करेंगे। नवाज शरीफ ने डील करनी होती तो उस वक्त करते जब जरूरत थी, झूठे दावे करना आसान है। एक माह में ही हुकूमत का पोल खुल गया। इक्तदार जाने का सदमा है, राना मशहूद के दिमाग को गर्मी लग गई। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान का लीगी रहनुमा के बयान पर रद्देअमल, बोले अगर कब्जा माफिया हूं तो हमजा शहबाज ने मेरे खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। हम पुरानी हुकूमत वाले ऊंचे हथकंडे नहीं इस्तेमाल कर रहे, शफाफ इलेक्शन से अवामी नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं। मेरा मुकाबला PTI से नहीं एक लोटे से है, एक महीने से नए पाकिस्तान ने गरीबों की चीखें निकवा दी हैं, लोगों को नए घर देने की बजाय बेघर किया जा रहा है। ख्वाजा साद रफीक शाहताज कॉलोनी में इंतखाबी मुहिम के दौरान खिताब। राना मशहूद के बयान से मुल्क को नुकसान हुआ, नून लीग ने फौज को कमजोर करने की कोशिश की। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की राना मशहूद के बयान पर कड़ी तनकीद। सूबाई वजीर इत्तला फयाजुल हसन चौहान का शहबाज शरीफ से मुस्ताफी होने का मुतालबा, बोले राना मशहूद ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और क्यादत की मशावरत से बयान दिया। राना मशहूद इस काबिल नहीं कि उनके बयान पर जवाब दिया जाए, नून लीग के बमों को चीफ जस्टिस ने एक्सपोज किया। स्पीकर पंजाब असेंबली की गुफ्तगू, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बजदार से भी मुलाकात। कब्जा ग्रुप्स के खिलाफ ऑपरेशन समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। सेनेट का जिमनी इलेक्शन, PTI के डॉक्टर शहजाद वसीम कामयाब। शहजाद वसीम ने 181 वोट लेकर मैदान मार लिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुश्तरक उम्मीदवार ख्वाजा अहमद हसान 169 वोट ले सके। सेनेट इलेक्शन में कुल 351 वोट कास्ट, एक मुस्तरद। ख्वाजा अहमद हसान को 3 इजाफी वोट मिले। ऐवान में हंगामा राय के बायस गिनती का अमल 30 मिनट तातुल का शिकार रहा। 9 मुंतखब सेनेटर का पंजाब के मसाइल हल करवाने के लिए भरपूर किरदार अदा करने का अज़्म। पीपल्स पार्टी और नून लीग में कुर्बतें बढ़ने लगी। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा की ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज से मुलाकात। ऑपोजिशन लीडर का इलेक्शन में नून लीग की हमायत करने पर जयालों का शुक्रिया। दोनों जमातों का ऐवान में एक दूसरे की हमायत करने पर इत्तफाक। सेनेट इलेक्शन का मार्का, खवातीन अरकान की सज धज कर असेंबली आमद। कहीं मैचिंग हैंडबैग्स तो कहीं शोख रंग के दुपट्टे,
धूप से बचने के लिए काले चश्मे, वोट कास्ट करने से पहले तगड़ा नाश्ता, सिरी पाए, हलवा, नान चने, बॉन्ग चने, उबलेंडे, ऑमलेट, सलाद और डबल रोटी से तवाज़ो। सीमल कामरान राजा बशारत के खिलाफ फट पड़ी, सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान का रास्ता रोककर शिकायत कर डाली, बोली राजा बशारत मेरा मुजरिम है, उसको वजीर कानून बना दिया, निकाह और तलाक का ड्रामा करके खवातीन की इज्जतें पामाल की जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग का टाइम खत्म होने पर शेर अफगन का वोट कास्ट करवाया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पंजाब की फौरी बरतरफी का मुतालबा करते हैं उस्मा बुखारी, पीटीआई की सफों में तोड़फोड़ शुरू हो चुकी है, किसी गैर जमहूरी तरीके से हुकूमत के खात्मे का हिस्सा नहीं बनेंगे, समीउल्लाह खान, नून लीगी अराकीन असेंबली की मीडिया से गुफ्तगू। सानहा मॉडल टाउन राना सनाउल्ला के गिर्द घेरा तंग, साबिक वजीर कानून के खिलाफ केस दोबारा खुलने का इम्कान, सानहे में 14 अफराद जामहक हुए, राना सनाउल्ला मास्टर माइंड थे, साबिक सेक्रेटरी दाखिला की मुखालफत के बावजूद ऑपरेशन का हुक्म दिया। अरबों रुपए के मुफ्त मशवरे कौम को महंगे पड़ गए, साफ पानी कंपनी में जर्मन कंपनी को कंसल्टेंसी की मद में अरबों रुपए की अदायगी, नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ को 5 अक्टूबर को तलब कर दिया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बजदार से नए चीफ सेक्रेटरी यूसुफ नसीम खोखर की मुलाकात, तैनाती पर नेक तमन्नाओं का इजहार, वजीर आला उस्मान बजदार का कहना है कि करप्शन और अकरबा परवरी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। नए पाकिस्तान में गवर्नर हाउस के सामने का मंजर भी बदल गया, मरकजी दरवाजे के सामने कई दहाइयों से कायम रुकावटें हटा दी गईं, 18 पुख्ता और 17 आर्जी रुकावटों को हटाया गया, रुकावटें हटाने का काम गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की हदायत पर किया गया। खबरदार, मस्जिद वजीर खान और शाही कला में कूड़ा फेंकने वालों पर 100 रुपए जुर्माना आयद होगा, लाहौर हाईकोर्ट का 4 अक्टूबर से अमल दरामद का हुक्म, सफाई सुथराई पर कोई समझौता नहीं होगा, जुर्माना वसूली में मुश्किलात आए तो वार्डन से मदद लें, जस्टिस अली अकबर कुरैशी के रिमार्क। सानहा मॉडल टाउन केस इंसदादे दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में समाप्त, साबिक आईजी पंजाब मुश्ताक सुखैरा के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी 8 अक्टूबर तक मंसूख, समाप्त कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। जिमनी इंतखाब के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई का काम मुकम्मल, लाहौर के चारों हलकों के लिए 12,14,000 बैलेट पेपर्स छापे गए, बैलेट पेपर्स की छपाई का काम फौज और रेंजर्स की निगरानी में किया गया। बल्दियाती नुमाइंदों के लिए खजाना खुल गया, लाहौर समेत पंजाब की 4,015 यूनियन काउंसिल्स को 1,20,00,00,000 रुपए जारी, फंड सितंबर के पीएफ शेयर के तहत रिलीज किए जाएंगे, नोटिफिकेशन जारी। नेशनल काउंसिल बराए तिब का बड़ा कदम, हकीमों और जराहों के हड्डी जोड़ समेत मामूली सर्जरी पर पाबंदी आयद कर दी गई, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने वफाकी मोहतसिब को हकीमों और जराहों के खिलाफ दरखास्त दी थी, नेशनल काउंसिल बराए तिब ने वफाकी मोहतसिब के रूबरू होकर पाबंदी का ऐलान किया। एशियन डेवलपमेंट फाउंडेशन के 2 रुकनी वफ्द की सेशन कोर्ट आमद, वफ्द की सेशन जज लाहौर और सीनियर सिविल जज से मुलाकात, गैर मुल्की वफ्द को अदालतों में केसी से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। और आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 की चमचमाती ट्रॉफी की शहर में रूनुमाई, ट्रॉफी को लाहौर टूरिज्म बस पर सैर कराई गई, फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान बोले बस यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप का फातिह हो।